हाय दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन अटाल के आसपास 2320 का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मशीन है A3 साइज का है, और दोस्तों ये रहा इसका पहले नंबर देखेंगे पावर बटन, यानी कि पावर ऑन और ऑफ बटन है, और ये है आपका की फ्यूचर। इसमें आपको है देख सकते हैं स्टेटस है, प्रोग्राम है, कॉपी, प्रिंट बॉक्स, स्क्रीन, और यहाँ पर आपका पेपर सेक्शन, जूम, ओरिजिनल इमेज डेंसिटी, यानी कि आपका अगर कुछ ज़्यादा मान लीजिए ब्लैक आ जाए तो उससे इसको कम और बेसी किया जाता है। और ये है डुप्लीकेट, ये है कॉम्बाइन, और ये है आईडी कार्ड। उसके बाद आ गया ये है आपका 1 इंच का LCD डिस्प्ले, और ये रहा आपका ओके बटन ऊपर और नीचे का फंक्शन मेन्यू है, और ये रहा आपका क्लियर बटन दिख रहा है आपको, जिससे आप मान लीजिए कभी आप ज़्यादा पेपर कर दिए और आपको बीच में स्टॉप करना है तो इसको क्लियर दबाई हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका रिसेट बटन, और ये है स्टॉप यानी कि रुकने वाला बटन, ये और यहाँ पे मेन बटन स्टार्ट, ये है आपका एनर्जी सेवर, ये है लॉगर, ये है इंटर। अब दोस्तों आते हैं हम इसके डिस्प्ले पे, और दोस्तों साइड में देख रहे हैं जो ये केबल लगा है, इसको आप अटैच करके अपने सिस्टम से कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो, प्रिंट करना हो, तो इसे आप अटैच करके इसमें लगा सकते हैं। और आइए दोस्तों, अब रहा इसका A3 साइज तक का आप इसमें पेपर प्रिंट रख के कर सकते हैं। जो आपको कुछ फंक्शन दिया, जैसे यहाँ पे आपका देखिए आई कार्ड, अब यहाँ पे आप आई कार्ड रख के प्रिंट कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ें, अब देखिए यहाँ पे है A5, B5, A4, लीगल, A3 साइज तक आप पेपर प्रिंट कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको आते हैं इसमें, इसका नाम है कैसेट्स, यानी कि इसके अंदर आप पेपर डाल सकते हैं, और वो पेपर आप एक बार में 250। अब मान लीजिए आपको A3 पेपर डालना है तो आपको इसको यहाँ से ऐसे खींच देना है, और इसमें आप A3 लगाइए, चाहे इसको घुमा के साइड से इसे भी लगा सकते हैं तो आपका राइट से हो जाएगा। अब समझ लें, अब चलते हैं इसको बंद कर दिए। अब आते हैं साइड में, अब देखिए दोस्तों ये है आपका एंट्री ट्रे, बोलिए चाहे बाईपास बोलिए, इसे इसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए इसके अंदर आप 50 सीट रख सकते हैं, या तो राइट में रखें या फिर घुमा के रखें, जैसे भी रखना हो। ये आपका है पेज को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है समझ गए। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये तो ओपन करते हैं क्यों, जब आप जब भी आपका पेपर कभी इसके अंदर फंसेगा तब इसको हल्का सा ऊपर से पुश करके इसको ऐसे खींच लेंगे, और ज़्यादातर पेपर आपको यहाँ पे जाम दिखेगा, लाइट कभी कट जाएगा तब आपका यहाँ पे पेपर आके फंसता है, चाहे पेपर जाम होगा तो। और ये है आपका देखिए ड्रम जो पेपर को प्रिंट करता है, और ये है आपका हीटर सेक्शन जो कभी इसके अंदर भी पेपर फंस जाता है, तो इसको आप ऐसे पुश करके और आराम से पेपर खींच सकते हैं। और ये है आपका रोल, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और दोस्तों अब आइए, अब हम आपको दिखाते हैं इसका दूसरा, ये रहा इसका मेन विथ, यहाँ पे आपका है वेस्ट टोनर बॉक्स, यहाँ पे आपका ड्रम, और ये रहा आपका टोनर यूनिट, यानी कि जहाँ पे आप टोनर डालते हैं, इसको कभी निकालने के लिए ऐसे इसको आराम से करके खींच लेंगे, देखिए आराम से निकल जाएगा। दोस्तों इसी के अंदर आप टोनर डालते हैं, और एक बार टोनर आप इसमें रिफिल कीजिएगा 500 ग्राम तो 10,000 से 13,000 पेज तक इसमें प्रिंट होता है। तो दोस्तों अब हम इसे इसके अंदर डाल देंगे, और दोस्तों ये रहा इसका अंदर का सेक्शन जिसमें पेपर प्रिंट होके कभी भी इसके अंदर आता है, और ये है आपका प्रोसेसिंग, कभी अगर पेपर जाम होगा तो यहाँ से दिखाएगा आपको, देखिए ये अलग बटन होगा, अब प्रोसेसिंग के समय ये पेपर चलेगा,
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।